आमतौर पर सिरदर्द, त्वचा पर लाल दाने या उल्टी जैसी शिकायत होने पर हम और आप बिना किसी से पूछे दवाएं ले लेते हैं। इन दवाओं के इस्तेमाल से आपको फौरी राहत भी मिल जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दवाओं का इस्तेमाल आपको डिप्रेशन की ओर धकेल रहा है? जी हाँ, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो जरा इन दवाओं पर अमेरिका में हुए एक रिसर्च पर गौर फरमा लीजिए। अमेरिका के एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली दवाइयों से डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। अध्ययन के मुताबिक दिल की बीमारियों के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ, गर्भ निरोधक दवाइयाँ और कुछ दर्द निवारक दवाइयों के साइड इफेक्ट से डिप्रेशन हो सकता है। इस रिसर्च में शामिल करीब 26,000 लोगों में से एक तिहाई में डिप्रेशन के लक्षण पाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के इस स्टडी में अमेरिका के 18 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों से बात की गई। इन लोगों ने 2005 से 2014 के बीच कम से कम एक तरह के डॉक्टर की लिखी दवाई ली थी। पाया गया कि डॉक्टर के लिखे इन दवाइयों में से 37% में डिप्रेशन को संभावित साइड इफेक्ट बताया गया। हालांकि ये साफ नहीं है कि क्या दवाइयाँ खराब मूड की वजह हो सकती हैं। किसी भी कारण से बीमार होने पर आपको उदासी महसूस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अध्ययन में भाग लेने वाले लोग पहले कभी डिप्रेशन का शिकार रहे हों। विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि अध्ययन में दवाइयों और डिप्रेशन के खतरे की बात कही गई है, लेकिन इसके कारण और असर का जिक्र नहीं है। जाहिर है, अगर आप फिलहाल इनमें से कोई भी दवाई ले रहे हैं और आप में डिप्रेशन का कोई लक्षण नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन जिन लोगों में दवा लेने के बाद डिप्रेशन के लक्षण महसूस हुए हैं, उन्हें डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।